का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 Pro के बारे में। दो पोको X3 Pro आज हमारे पास आया है और दोनों का दोनों एकदम फ्रेश है, मतलब कहीं पे भी रिपेयर नहीं हुआ है और ये मैं जानता हूँ ये मोबाइल 100% बन भी जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास पोको X3 और पोको X3 Pro है और आप भी अपना मोबाइल रिपेयर करना चाहते हो मेरे पास, तो ये वीडियो को एकदम स्किप मत करना। स्किप करोगे आप अपना मोबाइल को किसी भी दूसरा रिपेयरिंग शॉप में लेके जाओगे और आपका मोबाइल टोटल बनेगा ही नहीं, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। तब मुझे कॉल करके बोलोगे कि भाई मेरा मोबाइल बना नहीं, अब क्या करूं, तब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये वीडियो देख के आप अपना मोबाइल हमारे पास भेजते हो तो आपका मोबाइल 100% बन जाएगा। कितना पैसा खर्चा होगा और ये दोनों मोबाइल क्या क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। एक मोबाइल टोटली डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा है, ना चार्ज हो रहा है ना ऑन हो रहा है। लेकिन दूसरा मोबाइल ऑन तो हो जाता है लेकिन कुछ भी करने से डिस्प्ले व्हाइट होके या तो ब्लैक होके बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता है। कुछ देर के बाद फिर से ऑन हो जाता है, ऐसे हो रहा है। दोनों में सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास पोको X3 भी है उसमें भी सेम सीपीयू आईसी का प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस प्रॉब्लम आता है कि पहले क्या होता है ना, पहले कैमरा काम नहीं करता है, बाद में उसका स्पीकर काम नहीं करता है, बाद में ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट सिम वन सिम टू टोटली सब कुछ काम करना बंद कर देता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको, ना किसी रिपेयरिंग शॉप लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये जो मोबाइल है डायरेक्ट डेड हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम है ये एकदम रेयर, मतलब कभी कभी आता है, लेकिन 99% केसेस में पोको X3 Pro डेड हो जाता है। देखिए दोस्तों मेरे पास बहुत सारा पोको X3 Pro आया है, मैं 600 से 700 मोबाइल अभी तक बना के दे चुका हूं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो तो आप अपना मोबाइल को भेज सकते हो। देखिए ये जो मोबाइल है ये आया है गुजरात से और ये वाला जो मोबाइल है ये वाला आया है आसाम से। तो आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में दे दूंगा। वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे कॉल करो और डायरेक्ट मुझे एड्रेस मांगो, मैं व्हाट्सएप में आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा। उस एड्रेस से अपना मोबाइल को मेरे पास भेज के आराम से रिपेयर कर सकते हो। देखिए डिलीवरी पार्टनर सब कुछ अवेलेबल है, सबसे अच्छा है डिलीवरी कोरियर। वही एक ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर में मिल जाएगा और 125 से 138 रुपये में आराम से मेरे पास पहुंच जाएगा। और फिर से जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका मोबाइल में इधर से फिर से आपको डिलीवरी कर दूंगा। तो ज्यादा पैसा डिलीवरी में भी नहीं लगता और हमारे पास अगर भेजते हो आपका मोबाइल कहीं बिना खोले किसी रिपेयरिंग शॉप नहीं लेके जाके तो 100% बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं दिखा लिया तो भी एक बार ट्राई करना हमारे पास भेजने के लिए, हो सके कि आपका मोबाइल बन जाए। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो छोड़ देना। ये हो गया बनाने का प्राइस। देखिए पोको X3 का हम लोग रखे हैं 2000 रुपया क्योंकि उसमें सिंगल सीपीयू आता है, लेकिन पोको X3 Pro में डबल टेकर सीपीयू आता है, मतलब पहले वो रहता है सीपीयू आईसी उसके ऊपर रहता है रैम, इसलिए 2500 रुपया लेते हैं। देखिए आपको हो सके कि कम पैसा कोई बोले कि 1500 में कर देंगे 2000 में कर देंगे, आप बना भी सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं एक एक कस्टमर तीन तीन चार चार दुकान दिखा चुका है, उन लोग का नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उन लोग को प्रॉपर काम नहीं आता है। हम लोग 600 से 700 मोबाइल बना के दे चुके हैं, हमें काम अच्छी तरह आता है और हमारे पास जितना भी मोबाइल फ्रेश आया है, जैसे कि ये दोनों फ्रेश आया है, देखिए ये तो सील भी नहीं खुला है, मैं अगर आपको दिखाऊं ये एकदम सील भी नहीं खुला है, देखिए ये एकदम सील भी नहीं खुला है, लेकिन ये सील खुला है लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी खोल के देख लिया है ये रिपेयर नहीं हुआ है। तो आपका 100% बन जाएगा अगर आप बिना खुला हुआ मोबाइल हमारे पास भेजते हो और आपका डाटा भी बच जाएगा। 90% चांसेस है, 99% चांसेस है आपका डाटा बच जाएगा। तो सब कुछ मैंने डिटेल्स भी बता दिया। अगर आप अपना मोबाइल पोको X3 पोको X3 Pro हमारे पास भेज के रिपेयर करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप में दे दूंगा, उस एड्रेस से आप भेज के आराम से अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हो। आगे आपका मर्जी, कोई भी कोरियर आपके पास अवेलेबल है, डिलीवरी कोरियर, डीटीडीसी कोरियर, इंडिया पोस्ट, ट्रैककॉन, ब्लू डार्ट, बहुत सारा हमारे इधर सब कुछ अवेलेबल है, एक बार बातचीत कर लेना, बातचीत करके जो भी कोरियर आपको ठीक लगे उससे भेज के रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।